अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले ही सब अनंतनाग के बसंदों को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि हम इस बड़ी मुसीबत से बच गए। कि थर्ड वेव में जितना भी खौफ था, दहशत था कि ओमिक्रॉन सबको मार डालेगा, उस हिसाब से हमारी कोशिशों से, आपकी दुआओं से बहुत पेशरफ हुआ। डेथ्स बिल्कुल कम हो गई, हालांकि 150 मरीज हमारे पास एडमिट थे और 2.5 डेथ की रेट थी। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पिछले सेकंड वेव में, डेथ्स बहुत ज़्यादा हो गई। इनफैक्ट प्रेग्नेंट वुमेन भी मर गए दूसरी वेव में पिछले साल, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार कोई प्रेग्नेंट वुमेन की कोई शिकायत नहीं आई, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ नहीं हो गई। इसी तरह जो भी डेथ्स हो गई वो 5 लोगों के थे, वो 80 के ऊपर से और उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज थी। तो इस जमन में मैं तमाम डॉक्टर साहिबान को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिक्स को और इस अस्पताल को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत की, मशक्क़त की, अपने जान पे खेल के पेशेंट्स की खदमत की, जिसके नतायज बहुत अच्छे रहे। अब है कि जबकि कोविड के मरीज कम हो रहे हैं, इस वक्त हमारे पास कोई मरीज एडमिट नहीं है, तो अब हम अपनी रूटीन काम शुरू कर रहे हैं। हमारे ओपीडीज वैसे भी चालू थे, थिएटर्स चालू थे, बट जैसे भी रूटीन था वैसा चालू हो जाएगा। क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं, नर्सिंग कॉलेजेस के क्लासेस हैं, MBBS के स्टार्ट क्लासेस हैं, इम्तहान ऑफलाइन चल रहे हैं। जो ही उनके इम्तहान ख़त्म हो जाएंगे वो उनको नई क्लासेस शुरू कर लेंगे। पेशेंट केयर के लिए हम बिल्कुल मेहनत करेंगे, कोई शिकायत नहीं होगी आवाम की। हम आपकी खदमत के लिए हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए, कहीं भी कोई भी मुश्किल हो, कहीं भी कई इत्तेफाक राय ना हो ट्रीटमेंट में या कोई परेशानी हो, मेरे पास तशरीफ़ ला के मैं आपकी खदमत।